नमस्कार दोस्तों, हंगर स्टडीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूं तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और इससे पहले कौन था, और आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में भी बता सकते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग होंगे तो इस तरीके से जानेंगे कि भारत का पाँचवें नंबर का प्रधानमंत्री कौन था और भारत का दसवें नंबर का प्रधानमंत्री कौन था, कौन सा प्रधानमंत्री भारत का लंबे समय तक अपना कार्यकाल निभाया उन्होंने। तो जब आपको ऐसे पूछेंगे तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो ऐसे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। और दोस्तों और वो कांग्रेस पार्टी के थे और उनकी डेथ 27 मई 1964 को हुई थी और उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। तो दोस्तों कार्यकाल पूरा नहीं होने के कारण उसमें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की हमें ज़रूरत पड़ी, तो गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। दोस्तों एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर दोस्तों तब बनाया जाता है जब किसी का कार्यकाल पूरा नहीं होता है या किसी की मृत्यु पहले हो जाती है, तो मतलब दूसरे इलेक्शन कराने से पहले जो कुछ समय होता है उस समय तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बिना चुनाव से बनाया जाता है और उसी पार्टी का बनाया जाता है, और जो सीनियर मतलब मिनिस्टर होता है उसको बना दिया जाता है, या ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बना दिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को और इनका कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था, 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक, और ये कांग्रेस पार्टी के थे और इनकी डेथ हुई थी 15 जनवरी 1998 को। उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और उनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, और ये भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा समय तक नहीं कर पाए थे और उसमें फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ी थी, तो फिर से गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल था मात्र 13 दिनों का, फिर से 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, और ये कांग्रेस पार्टी के थे। वो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी 15 जनवरी 1998 को। उसके बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा, और वो कांग्रेस पार्टी की थी और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। उसके बाद भारत का चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, 29 फरवरी 1886 को उनका जन्म हुआ था और उनका कार्यकाल था 4 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979। दोस्तों ये भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे, और ये जनता पार्टी के थे। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 1985 को। उसके बाद भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को और इनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980, मात्र यह भी एक साल से कम समय तक रहे, और ये भी जनता पार्टी के थे। तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को। उसके बाद भारत की अगली प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, तो सेकंड टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर बनी थी दोस्तों। तो इनका कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा, कांग्रेस पार्टी की ये थी, और इसमें इनका पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था, इनको मार दिया गया था 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी, इन्हीं के ही बॉडीगार्ड ने इनको मार दिया था। उसके बाद दोस्तों भारत के अगले छठे प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और इनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक। दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के थे और इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी। उसके बाद भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था और इनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक। दोस्तों इनका भी मतलब पूरा साल नहीं हुआ था, और ये जनता दल के थे और इनकी मृत्यु हुई थी 27 नवंबर 2008 को। उसके बाद दोस्तों बात करें चंद्रशेखर सिंह, दोस्तों इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को हुआ था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1900 लेके 21 जून 1991 तक था। ये भी जनता पार्टी समाजवादी के थे और इनकी मृत्यु हुई थी 8 जुलाई 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी, इनका भी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था। उसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था और इनका कार्यकाल था
21 जून 1991 से लेके 16 मई 1996 तक और ये कांग्रेस पार्टी के थे और इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 2004 को। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री 10वें प्रधानमंत्री भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनका कार्यकाल मात्र 16 दिनों का था, 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक उनका कार्यकाल था। बहुमत न होने के कारण सरकार गिर गई, मतलब बीजेपी पार्टी के वो थे, उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को। उसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे HD देवेगौड़ा, इनका जन्म 18 मई 1933 को हुआ था और इनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक था और यह जनता दल सेक्युलर पार्टी के थे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंदर कुमार गुजराल, दोस्तों इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा, वो भी एक साल से कम, और ये भी जनता दल के थे और इनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 2012 को। उसके बाद दोस्तों बात करें भारत के अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों बने थे, दोस्तों इस समय दोस्तों इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था और दोस्तों ये दो बार प्रधानमंत्री लगातार रहे थे। इस समय इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेके 1999 तक साल और उसके बाद 1999 से लेके 22 मई 2004 तक था। दोस्तों 6 साल कुछ महीने मतलब इन्होंने कार्यकाल किया और दोस्तों एक बीजेपी पार्टी के थे, उनकी डेथ 16 अगस्त 2018। दोस्तों ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर किया था। उसके बाद दोस्तों अगले प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, दोस्तों इन्होंने भी 2 टर्म लगातार फुल किए थे, फुल टेन्योर इन्होंने अपना किया था। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 और इनका पीरियड था दोस्तों कार्यकाल था 22 मई 2004 से लेके 26 मई 2014 मतलब 2014 तक इनका कार्यकाल था, लगातार 10 सालों तक इन्होंने किया, उनके कांग्रेस ये पार्टी के थे ये। उसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री और जो अब भी हैं नरेंद्र मोदी, ये भी दोस्तों इन्होंने अपना फर्स्ट टेन्योर पूरा कर लिया है और सेकंड टेन्योर में अभी है, करंट में प्रधानमंत्री हैं भारत के। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, कार्यकाल इनका पहला 26 मई 2014 से लेके 30 मई 2019 तक था और ये अभी तक कंटिन्यू है, मतलब 2024 में फिर से इलेक्शन हो गए तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के मतलब प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ समाप्त हुई दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे मतलब बेल आइकन आप दबा दीजिए हमारी मतलब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।